मित्रवर अशोक जी और दूसरे मित्रों, आज हम जिस महान साहित्यकार, कथाकार और विचारक की स्मृति में एकत्र हुए हैं, वो सचमुच ही हमारे लिए एक गौरव के विषय थे, उनका हमारे देश में होना। ऐसे व्यक्ति की स्मृति जो है वो उसकी कला पर विचार करने के रूप में या उसके विचार पर विचार करने के रूप में मनाना ही ठीक होता है, और वैसा ही आज हम कर रहे हैं। विचार पर विचार करना का अर्थ है कि हम, या कला पर विचार करना, किसी पर भी विचार करना, उसका अर्थ है कि हम उसकी आलोचना करें, समीक्षा करें, उसमें दोष हो वो बताएं, गुण हो वो बताएं, जिससे कि कला की परंपरा, विचार की परंपरा आगे बढ़े। यही सबसे बड़ी किसी कलाकार की प्रशंसा होती है। हम प्रायः ये नहीं करते, हमारे देश में इसका बड़ा अभाव है, इसी कारण हमारी विचार की परंपरा आगे नहीं बढ़ रही। मुझे कला के सत्य पर कुछ कहना है, तो वो मैं लिख के लाया हूँ, जिससे कि एक सीमित समय में स्पष्ट रूप से बात कही जा सके। किंतु उससे पहले मैं कला के संबंध में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझता हूँ, और थोड़ा स्पष्टीकरण सत्य के संबंध में भी। सत्य शब्द का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं कि यह सच है, ये झूठ है, किंतु सत्य के गहरे अर्थ हैं और गहरे प्रयोग हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि जीवन ही, मनुष्य का जीवन इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है। एक का अर्थ है जिसमें संसार ही को असत्य कहा गया है, और मनुष्य किस तरह से असत्य में रहता है, ये कबीर के माया मा ठगनी हम जानी गीत में बहुत ही व्यंजक रूप में बताया गया है। तो सत्य के जो अर्थ हैं वो बहुत हैं, और कला की जब हम बात करते हैं तो कला में सत्य के ऐसे ही रूप सामने आते हैं। अब कला क्या है, ये विचारणीय बात है। कला के संबंध में बहुत से कुछ प्रचलित सिद्धांत हैं, जिसको हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरा सिद्धांत उनसे बहुत अलग है, भिन्न है। उसकी व्याख्या मैंने बहुत विस्तार से कई जगह की है, इस लेख में भी संक्षेप में उसका उल्लेख है, किंतु उसका स्पष्टीकरण मैं थोड़े से शब्दों में पहले कर देना चाहता हूँ, जिससे कि इस लेख को समझने में सहायता मिलेगी। मैं सौंदर्य या रस को कला का परिभाषक नहीं मानता हूँ। उससे बहुत सारी कला के पक्ष हैं, कला के रूप हैं, जो कि स्पष्ट नहीं, जो कि उसकी व्याप्ति में नहीं आते हैं। मैं इसको दूसरी तरह से परिभाषित करता हूँ। वो परिभाषा है विषयिता का, विषयिता प्रत्यय के रूप में अवगाहन। इसका थोड़ा अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। विषयता हम सब जानते हैं, हम जो देखते हैं वो विषय है, जो विचारते हैं हम विषय हैं, हम स्वयं अपने विषय होते हैं। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये विषयता हमें आत्मचेतन होने से उपलब्ध है। हम इसको कहते हैं चेतना का आत्मचेतन होना। ये विषयता जो दूसरी, जो मैंने कहा अपनी
अपने सुख दुख, अपनी विषयता विषयिता को विषय बनाना, ये जो है केवल मनुष्य को उपलब्ध है, पशु को उपलब्ध नहीं है। पशु सुखी होता है, दुखी होता है, या जैसा होता है वैसा होता है। जैसे हम होते हैं चेतना में, उसको विषयिता कहते हैं। दुखी हूँ तो ये दुखिता, ये विषयिता है। सुखी हूँ, सुखिता, ये विषयिता है। विचार कर रहा हूँ, ये विचारणा विषयिता है। विचार का विषय होता है स्वयं, विचार विचार का विषय होता है, वो एक दूसरी वृत्ति है। ये जो विषयिता है, ये हम सुखी हैं या दुखी हैं, क्रोध में हैं या प्रेम में हैं, तो हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु हमारी चेतना में ये एक विशेष योग्यता है कि वो इसके भी अंतर्गत अर्थों को प्रकाशित कर सकती है। विषयिता को विषयिता में रखते हुए ये कला करती है। वो कैसे करती है, इसका थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण लेख में रहेगा, पर इतनी ये समझाना आवश्यक था। कला को सामान्य रूप से रस या सौंदर्य से जोड़ा जाता है, और सत्य को प्रायः निर्मम, प्रिय अप्रिय से निरपेक्ष वास्तविकता से, अथवा कहें वस्तुतंत्र ज्ञान से। निर्मल जी के ही कला में सत्य की अवधारणा शीर्षक व्याख्यानों में अनेक उद्धरणों के बीच टॉलस्टॉय और नीत्से के मत उद्धृत हैं, जिनमें कला और सत्य को इसी विरोध में देखा गया है। टॉलस्टॉय के अनुसार सौंदर्य के नाम पर कला जो रचती है, वह सत्य के उस जटिल विषम रूप को विकृत करता है जिसे हम अपने वास्तविक जीवन में जीते या भोगते हैं। और नीचे कहते हैं, मनुष्य कला का सहारा सत्य की मार से बचने के लिए लेता है। इसी पृष्ठ पर इन उद्धरणों से पहले निर्मल जी ने कीट्स को उद्धृत किया है, जिसमें सत्य और सौंदर्य को एक ही कहा गया है। यहाँ स्पष्ट है कि कीट्स और टॉलस्टॉय एवं नीचे सत्य शब्द का प्रयोग नितांत भिन्न अर्थों में कर रहे हैं, किंतु निर्मल जी ने इस अर्थ भेद की ओर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इसे युग परिस्थितियों से बदली मानसिकता ही कहा है। मानो सत्य कोई मनोवृत्ति हो। जो भी हो, ये तीनों उद्धरण अपने अभिप्रायों में स्थूल रूप से स्पष्ट है, किंतु इन व्याख्यानों में दूसरे भी बहुत से उद्धरण हैं, और सभी पाश्चात्य कलाकारों के ही, जिनके अभिप्रायों का कुछ पता नहीं चलता, कम से कम सत्य से उनके संबंध का। यों सत्य शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता भी है, और वे सभी युक्त प्रयोग कहे जा सकते हैं, ठीक प्रयोग कहे जा सकते हैं, यदि उनका प्रयोग करने वाले अपने प्रयोगों को स्पष्ट परिभाषित कर दें। इन प्रयोगों में से कुछ का उल्लेख हमने अपने सत्य शीर्षक लेख के आरंभ में किया है। सामान्य रूप से किसी कथन, धारणा या विश्वास को सत्य कहा जाता है, यदि वह तद विषयक वस्तु के अनुरूप हो। वस्तुओं को सत्य कहा जाता है यदि वे अपने स्वरूप के अनुरूप हों। जागृति में देखी गई वस्तुओं को इसी अर्थ में हम सत्य, और स्वप्न में देखी गई वस्तुओं को असत्य कहते हैं। कागज के फूलों को वास्तव फूल समझ सकते हैं, तब कहा जा सकता है कि कलाकृति का स्वरूप सौंदर्य है, और अपने इस स्वरूप की पूर्णता में उसका सत्य, न्यूनता में सत्य की न्यूनता और अभाव में असत्य होता है। कलाकृति यदि सुंदर है, सौंदर्य के सर्जन करती है, तो वो सत्य है, कम करती है तो कम सत्य है,
नहीं करती है तो असत्य है, ऐसा कह सकते हैं। तब यदि टॉल्स्टॉय और नीत्शे कला को सुंदर और इसी से सत्य का आवरक कहते हैं, तब उनसे कहा जा सकता है कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि कला दूसरी तरह की वस्तु है और धोखाधड़ी, कामुकता, युद्ध और राजनीति आदि का जीवन दूसरी तरह की वस्तु है। जीवन के ये दोनों ही पक्ष हैं, आप केवल दूसरे पक्ष को ही सत्य का पक्ष देख रहे हैं। इस तरह देखने पर हम पाते हैं कि टॉल्स्टॉय और नीत्शे सत्य शब्द का प्रयोग किसी दूसरे और गलत अर्थ में कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखें तो युद्ध, धोखाधड़ी और लोभ मोह आदि मानवीय असत्य के उदाहरण हैं। उसके वैसा नहीं होने के जैसा उसे होना चाहिए, कागज़ के फूलों की तरह। इस तरह कला का स्वरूप यदि सौंदर्य है तो वह रचना, वह कृति कलात्मक होगी जो सुंदर है, और यही उसका सत्य होना चाहिए, होना होगा। इसलिए यदि कला के लिए यह कहना है कि उसका साध्य सौंदर्य नहीं बल्कि सत्य है, तो इसका अर्थ या तो यह होगा कि सौंदर्य की साधना और सत्य की साधना ये दो अलग बातें हैं, और कला सत्य की साधना नहीं है, या यह कि सौंदर्य की साधना भी सत्य की साधना हो सकती है किंतु कला का साध्य सौंदर्य नहीं है बल्कि किसी और अर्थ में सत्य है। हमने अन्यत्र यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि कला का साध्य सौंदर्य नहीं होकर किसी और अर्थ में सत्य है। यूं सौंदर्य को सत्य के आवरक के रूप में भी देखा गया है, और कला को सौंदर्य की पर्याय मानकर उसे भी इस रूप में देखा गया है। वेद का मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। इसमें सौंदर्य को सत्य के आवरक के रूप में देखा गया है, किंतु यह शब्दों के शिथिल प्रयोग के कारण है। इसलिए कला के सत्य के साथ संबंध को समझने के लिए कला के स्वरूप को समझना और सत्य के अर्थ और स्वरूप को समझना आवश्यक है। किंतु यहाँ हम कला के स्वरूप पर अपेक्षित विस्तार से विचार नहीं कर पाएंगे। अन्यत्र हमने यह विचार पर्याप्त विस्तार से किया है और यहाँ उसके लिए अवकाश नहीं है। यहाँ हम कुछ कलाकृतियों को सम्मुख रखकर देखने के मार्ग से बढ़ेंगे कि उनमें कलाकार का साध्य क्या है और उसमें उसकी सफलता असफलता का मानदंड क्या है। इसके लिए हम निर्मल जी की मुंशी प्रेमचंद और चित्रकार रामकुमार पर दो टिप्पणियों से आरंभ करेंगे जो उनके सर्जना पथ के सहयात्री लेख संग्रह में से हम ले रहे हैं। प्रेमचंद के संबंध में वो लिखते हैं, प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की ऐतिहासिक विकृति को देखा था, किंतु उस चीज़ का मूल सांस्कृतिक टेक्सचर अथवा गैर ऐतिहासिक रूप में क्या था जो विकृत हुआ था, उसकी अंतर्दृष्टि प्रेमचंद में नहीं मिलती। और रामकुमार के चित्रों के संबंध में वे कहते हैं, रामकुमार उन इन्हें गिने भारतीय कलाकारों में से हैं शायद एकमात्र जिनके पिछले 50 बरस के चित्र मनुष्य की स्थिति, उसकी वेदना और एकाकीपन, मुक्ति की उसकी कामना और संसार जैसा है उसी रूप में उसकी स्वीकृति के साक्षी हैं। अब इन दोनों टिप्पणियों में निर्मल जी का उद्देश्य यद्यपि कलागत सत्य का विवेचन करना नहीं है, इनमें वे एक उपन्यासकार और एक चित्रकार की अपने अपने कृतित्व में सफलता का मूल्यांकन ही कर रहे हैं, किंतु इन टिप्पणियों में उनके जाने या अनजाने इन मूल्यांकनों का आधार उनकी कृतियों के सत्य होने में सफलता असफलता से ही हुआ है। यह सत्य उन कृतियों के अपने से बाहरी वस्तु स्थिति को पर प्रस्तुत कर पाने में सफलता में है, यानी कि ये कलाकृतियाँ जो प्रस्तुत कर रही हैं उसको